अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स, मैं हूं नईम, आप देख रहे हैं पाक मोटो व्लॉग। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको पूरी डिटेल इसकी बताऊंगा, जो ये इलेक्ट्रिक बाइक मैंने ली है ईटी थंडरबर्ड 2000 वॉट मोटर की। और हाँ, सबसे पहले मैं मतलब स्टार्ट कहां से करना चाहूंगा कि मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूंगा कि जिनसे मैंने ली है ई टर्बो कराची में, ये आप देखें उनका नंबर भी चल रहा है, उनका एड्रेस भी चल रहा है। तो कैसा रहा मेरा उनसे एक्सपीरियंस, मैं चाहूँगा कि मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँ। तो बिल्कुल जी, मैं ये बताऊँगा कि ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, हर जो मैं क्वेश्चन करना चाहता था, जो कुछ उन्होंने मुझे पूरा सेटिस्फाई किया और एक एक चीज़ का जवाब दिया। इवन मतलब आप लोगों ने भी करना तो कॉल टाइम देख के करें। हालांकि मेरे केस में ऐसा हुआ कि मैंने रात को एक दफ़ा कोई 2:30 बजे एक मैसेज व्हाट्सएप पे, मेरे जहन में एक सवाल आया, मैंने कर दिया। तो मेरा मकसद यही था कि जब सुबह उठेंगे तो मुझे रिप्लाई कर देंगे, लेकिन उन्होंने उसी वक्त मतलब रिप्लाई मुझे किया, बहुत अच्छा रहा। उसके बाद जिसके थ्रू उन्होंने भेजी, जो गुड्स वाले ट्रांसपोर्ट वाले, उनके साथ भी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। तो एक तो मैंने कहा कि आपको ये बता दूँ कि अगर आपने बुक करनी है तो बस कर मारें। तो अब चलते हैं जी मोटर बाइक के, इसका आपको इलेक्ट्रिक बाइक का सारा दिखाता हूँ शुरू से एंड तक। चलिए, अच्छा सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ कि जी ऐसी दो कीज़ आई हैं और दो इसके रिमोट वाले साथ आए हैं। एक मैंने संभाल दिया और एक मैंने इसके साथ रख लिया। तो उसके बाद अच्छा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं आमतौर पर बताता हूँ, टायर साइज़ 120/70/12। आप देखें कि 12 रिम है, 12 रिम का टायर है इसका। मैं ये बता दूं कि होंडा ग्राम में जैसे आता है, बेसिकली उसी की कॉपी है, उसमें भी 12 रिम आता है। तो ये फ्रंट की मैं आपको दिखा दूं जी के कैसे टायर की ट्रेड कैसी है, और ग्रिप इज़ वेरी गुड। अच्छा एलॉय रिम है आप ये देखिए, और ये डिस्क काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, और साथ इसके डबल पिस्टन कैलिपर हैं। मैं हैरान हूँ कि मतलब ये देखें आप कि इसमें डबल पिस्टन कैलिपर दिया हुआ। उसके बाद आ जाएं अगर रियर पे आ जाएं, तो रियर पे भी आप देखें 120/70/12 का टायर है। और अच्छा नाम ये है बेलोंग टायर, चाइनीज़ ही है ज़ाहिर। अच्छा रोटेशन का भी देखेंगे, लिखा हुआ एरो दिया हुआ, इससे पता चले उल्टा नहीं लग सकता। तो ये आपको दिखा दूं जी कि रियर टायर की ट्रेड। अच्छा इधर आ जाएं तो इधर भी ड्यूल पिस्टन कैलिपर है ये, और ये आप देखें कि पीछे भी यानी कि डिस्क है, और डिस्क की थिकनेस भी अच्छी है। ये आप देखें कि ये पूरी इसकी ये फुल मोटर है पूरा, यानी ऑलमोस्ट ये 12 इंचेस का मतलब 2000 वॉट की मोटर। पता चलती है कि जब आप भगाते हैं ना तो उसमें मज़ा आता है। अच्छा उसके बाद आपको दिखाते हैं कि चलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं, ये बैक पे कि अगर वो कीचड़ वगैरह ना स्प्लैश हो उसके लिए। और ये रियर आपको दिखा दूँ कि अच्छी टेल दी हुई है, यहाँ पे नंबर प्लेट आप जो लगाएंगे तो उस पर लाइट, ये आप देखें आपको दिखाऊँ, ये लाइट ऑन होती है। इंडिकेटर्स अच्छे दिए हुए, अंदर ऑरेंज कलर के हैं लेकिन मुझे काफ़ी अच्छे लगे, यानी नया जो आजकल ट्रेंड है वैसे है। यहाँ आ जाएं तो ये आप देखें कि ब्रेक लैंप विच इज़ वेरी गुड, और रात को भी मैं ये आपको दिखाऊंगा जला के। इधर आ जाएं तो बड़े खूबसूरत से दोनों साइडों पे ग्रैब हैंडल्स बने, जो पीछे बैठेगा कोई तो वो इन्हें मतलब पकड़ सकता है, इसे ग्रिप कर सकता है, अच्छी ग्रिप है। अच्छा सीट वेरी वेरी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल सीट है, मतलब वाकई ये इतनी कंफर्ट है कि मतलब बहुत ज़बरदस्त है। और रियर शॉक आप देख लीजिए ये है, और एडजस्टेबल है, आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जहाँ भी सेट है ज़बरदस्त सेट है, कोई इशू नहीं है। फुटरेस्ट पे आ जाएं, ये रियर रिट्रैक्टेबल, ज़बरदस्त क्वालिटी है देखें, यस। अच्छा फ्रंट पे आ जाएं, दोनों साइडों के रिट्रैक्टेबल फुटरेस्ट हैं। अच्छा एक चीज़ जो मुझे पसंद है, आप देखें कि इसकी रोड क्लियरेंस ऑसम है, ज़बरदस्त किस्म की रोड क्लियरेंस है। अच्छा इधर मैं जो असल चीज़ आपका भूल गया बताना,
कि बड़ी बाइक्स की तरह और लेटर बाइक्स की तरह अपसाइड डाउन शॉक्स हैं इसके, यूएसडी शॉक्स, जो कि स्ट्रॉन्गर होती हैं। इनका क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, कोई भी जर्क ये अच्छे से मतलब एब्जॉर्ब कर सकती है, और नई मोटर बाइक्स में यही आ रहा है। उसके बाद फाइबर हार्ड प्लास्टिक में एक ये मड गार्ड दिया हुआ है, ऊपर ये बीक सी दी है जो पर्सनली मुझे बड़ी पसंद है, आप ये देखें। और हेडलाइट आ गई, पार्किंग आ गई, ये फ्रंट इंडिकेटर्स आ गए। अच्छा, यहाँ पे आ जाएँ तो ये फ्रंट ब्रेक है और एडजस्टेबल है और हाइड्रोलिक है। इधर आप इसका ब्रेक ऑयल डालेंगे, ये रियर है ब्रेक और एडजस्टेबल है ऑब्वियसली, और इसका ब्रेक ऑयल आप यहाँ पे डालेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ तो ये आ गया, हॉर्न आ गया, और ये अगर आप प्रेस करके रखेंगे, आप देखिए आर लिखा हुआ है, प्रेस करके आप थ्रॉटल देंगे तो ये रिवर्स चलेगी, जो ज़बरदस्त फीचर है कि कहीं कोई बिल्कुल यूं खड़ी होती और नहीं बंदा रिवर्स कर सकता तो आप इसको प्रेस करके कर सकते हैं। ये आगे इंडिकेटर, लेफ्ट सेंटर राइट, ये आ गया, लोहा है। अच्छा जी, उसके बाद हैंडल बार ज़बरदस्त है, आप देखें अच्छा वाइड है। इधर आ जाएं, ये आगे जिससे आप मोड करते हैं 1 2 3 चेंज, ये आ गई पार्किंग, ये आ गई फुल, ये आ गया हैज़र्ड, आ गया जो ज़बरदस्त है, आप सरप्राइज के हैज़र्ड दिया हुआ, मतलब वरना मोटर बाइक्स में आमतौर पर नहीं दिया जाता। ये आ गई इसकी रेस आ गई, और साइड व्यू मिरर्स बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, और ये देखिए ये भी है, और ये लेफ्ट हैंड साइड का है। अच्छा, इधर मैं ऑन करके भी अब आपको दिखा देता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इतनी डिटेल्स मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये मैं आपको बताऊँ कि ये देखें कि ये जैसे मैंने यहाँ से ये प्रेस करूँगा, ये ठहरे मैं पहले शुरू से बताता हूँ, ये 1, फिर प्रेस करूँगा 2, फिर प्रेस करूँगा 3। अच्छा, इधर ये अब ये किलोमीटर्स का बता रहा है, अब मैंने क्योंकि बंद किया है तो ये हर दफ़ा आपको शुरू से बताता है, लेकिन टोटल माइलेज भी आती है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने बंद किया स्टार्ट के पहले टोटल कितनी चलाई वो बताएगा। ये आप देखें 62 किलोमीटर्स मैं चला चुका हूँ, उसके बाद ये 00 आई, यानी ये अभी की बताएगा अब से मैंने कितनी चलाई। ये आ गई बैटरी की बार आ गई, ये पी पार्किंग, मैं कोई भी ब्रेक अगली या पिछली जब ये प्रेस करूँगा तो पी से हट जाएगी। ये देखें मैं इधर प्रेस करता हूँ और इधर आपको दिखाता हूँ, ठहरें, ये मैंने की, ये प्रेस की, ये देखें रेडी टू गो। अच्छा, इधर से अब ये क्या है कि हैंडल लॉक ज़बरदस्त है, पूरा लेफ्ट को घुमाया और ये लॉक हो गई, ओके। अच्छा, एक जो चीज़ मुझे बड़ी पसंद है वो ये है कि यहाँ पे ये खोला, ये देखिए मैंने चार्जर रखा है। अच्छा, मैं जब चार्जर नहीं रखा था तो यकीन करें कि मेरा सारा मोटो व्लॉगिंग इक्विपमेंट प्लस पानी की बॉटल, और अभी तब भी काफ़ी गुंजाइश थी इसमें चीज़ें लाने की, और वो चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई। अभी मैं ये नहीं बता सकता कि कितनी माइलेज देगी, क्या देगी, वो तो डेफिनेटली वो जब मैं इस पर राइड ज़रा लंबी करूँगा तो फिर बताऊँगा। बाकी यहाँ पर बड़े खूबसूरत इसके वो मतलब अच्छी बनाई हुई है, और इसके अंदर बैटरीज हैं और अच्छा मटेरियल है, मतलब बड़ी ज़बरदस्त शेप दी है। और लेफ्ट हैंड साइड से भी दिखा देते हैं आपको, वैसे ही है ये, आप देखें कि यहाँ पे यूँ दिया हुआ है जैसे मतलब चेन कवर होता, बेसिकली क्या है कि यहाँ से केबल जा रही है मेन जो इसकी मोटर की। लेफ्ट हैंड साइड का आप देखें फुटरेस्ट, जो भी बैठेगा, ये रिट्रैक्टेबल स्टैंड ज़बरदस्त है, स्टैंड में सेंसर भी है कि स्टैंड अगर खुला होगा तो ये मोटर बाइक चलेगी नहीं। और अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं कि इसके टायर जो हैं ट्यूबलेस हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं, फ्रंट और रियर दोनों ट्यूबलेस टायर्स हैं, ये देखिए। और चलें अब थोड़ी सी आपको राइड दिखाता हूँ इसकी, और बाकी हाँ मतलब अच्छा, मैं ये बता दूँ कि प्रोज एंड कॉन्स की अगर बात करें तो सारे प्रोज हैं, कॉन सिर्फ एक है मेरी नज़र में, वो
ये कि स्टिकर बहुत ज़्यादा डाले हैं, बस बाकी और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जी। तो व्यूअर्स, आपने सारी स्पेसिफिकेशन भी जो मुझे पता थी वो मैंने बता दी फिलहाल। तो ऐसा ऐसा इसकी इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी, और पाक मोटो व्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।